कबड्डी का सेमीफाइनल मुकाबला पहले हाफ में दुलानिया आगे चल रहा है। दुलानिया और लेखवा के मध्य ये सेमीफाइनल मैच रोमांचक मुकाबला, जीतने वाली टीम फाइनल खेलेगी। ऑन ग्राउंड का फायदा मिला अभी तक दुलानिया को यहाँ पे, और लेखवा की टीम इस समय दबाव में है और टाइम जाया करते हुए यहाँ पे डुलाने के खिलाड़ी, क्योंकि जानते हैं उनके पास अच्छी खासी लीड है। लेखवा के लिए वापसी करना एक चुनौती, आसान नहीं होगा। डुलाने की टीम ने अभी तक कमाल का प्रदर्शन किया है और जो लीड है वो काम आएगी, और यहाँ पे अच्छी पकड़ मजबूती के साथ थाम लिया और यहाँ पे एक पॉइंट मिलता हुआ डुलानिया को। लेखवा की टीम मुकाबले में पिछड़ते हुए, जबकि डुलानिया ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। कबड्डी का सेमीफाइनल मुकाबला डुलानिया की धरा पे, ये एक साथ टूट पड़े चीते की तरह, और वापसी करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और डुलानिया को, दर्शकों का अपूरा साथ रहा है यहाँ पे मेजबान टीम के। लेखवा के लिए मुश्किल समय, और टाइम आउट लेते हुए यहाँ पे, लेकिन इधर से रेड चलती हुई टाइम आउट लिया है यहाँ पे खिलाड़ी। यहाँ पे देखिए गुप्तगु करते हुए, डुलानिया की टीम इस समय अच्छी खासी लीड ले चुकी है, इसलिए शारीरिक शिक्षिका ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि यहाँ से कोई गलती ना हो। और टाइम आउट के बाद फिर से गेम शुरू, डुलानिया बढ़त पे, जबकि लेखवा मुकाबले में बैकफुट पे इस समय, और पॉइंट चाहिए यहाँ पे वापसी के लिए, इसलिए दबाव होगा। और अच्छा तालमेल डुलानिया टीम का यहाँ पे, और लीजिए बिल्कुल एक साथ टूट पड़े और यहीं का यही रह गया। और अब के बाद देखिए शोर शराबा संकेत यही कह रहा है कि मेजबान डुलानिया इस समय बढ़त पे है और समय तेजी से निकलता जा रहा है। सामने से रख लिया आपने ही घर में, और डुलानिया बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और जीत की ओर अग्रसर है। मुझे तो लगता है जीत की खुशबू मेजबान टीम को आने लगी है, और यहाँ पे दबाव में पॉइंट चाहिए ही चाहिए, बसरते वापसी का कोई रास्ता नहीं। यहाँ पे समय ज़्यादा नहीं बचा है अब, और जितना समय गंवाएंगे उतना नुकसान होगा यहाँ पे लेखवा, जबकि मेजबान टीम मजबूत स्थिति में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल ब्लॉक स्तर पर डुलानिया की पावन धरा पे माता मंदिर के प्रांगण में ये कबड्डी का सेमीफाइनल मुकाबला लेखवा और डुलानिया के मध्य, जिसमें लेखवा बैकफुट पे जबकि डुलानिया पन फुट पे, अच्छी खासी लेड और समय तेजी से गुजर रहा है। यहाँ पे लगातार सपोर्ट करते हुए ऑडियंस है मेजबान टीम का, वापसी करना यहाँ से मुश्किल। समय का जाया डुलाने की टीम जानती है, लीजिए छलांग तो लगाई थी लेकिन उड़ान नहीं भर सके बिल्कुल, और नतीजे के करीब यहाँ से तो पॉइंट मिला है एक लेखवा को। लेखवा की टीम ने अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन नहीं किया यहाँ पे, लेकिन डुलानिया का प्रदर्शन काफी कमाल का रहा है, और होम ग्राउंड का भी फायदा मिला है जिस प्रकार से दर्शकों ने सपोर्ट किया है, और पांव पकड़ लिया और यहाँ पे दो विकेट लेके आए हैं तो डुलानिया की झोली में, बहुत ही शानदार प्रदर्शन।
और डोलानिया खुश यहाँ पे, खुशी का ठिकाना नहीं। अब देखिए दर्शकों की वोटिंग लगातार यहाँ पे, और एक बार फिर से कैच कर दिए गए अप्रत्याशित बढ़त की ओर डोलानिया। डोलानिया मुकाबले में पिछड़ा हुआ, माफ कीजिए लीक हुआ, जबकि डोलानिया अप्रत्याशित बढ़त की ओर इस समय। और लीजिए समय ज्यादा नहीं है अब, और यहाँ पे हिफत में शिकंजे में खस लिया, और एक और पॉइंट यहाँ पे मेजबान टीम को। डोलानिया काफी खुश और संघर्ष करते हुए यहाँ पे, और मुश्किल होगा और कामयाब हो गए, लेकिन नहीं, अंतिम समय में अपने घर में। और लिखवा के लिए कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा यहाँ पे, और दाद देनी होगी मेजबान टीम के, लगातार बढ़त बनाते चले गए, और यहाँ से वापसी करना लिखवा के लिए बेहद मुश्किल। कमाल का प्रदर्शन मेजबान टीम का, और ये लीजिए एक बार फिर से अच्छी पकड़, और एक और पॉइंट यहाँ पे मेजबान टीम की झोली में, जीत की दहलीज पे डोलानिया, और यहाँ पे एक और पॉइंट, दो पॉइंट बिल्कुल, और एक तरफा जीत की ओर इस समय डोलानिया। अंडर प्रेशर लिखवा, और लीजिए आ गए घेरे में, चारों तरफ से घेर लिया, जाएंगे कहाँ। और यहां से एक और पॉइंट लगातार डोलानिया, बड़ी बढ़त यहां पे इस समय, और यहां से लगभग नामुमकिन लिखवा के लिए वापसी करना। और लीजिए एक बार फिर से घेर लिया, और सेंटर से बाहर, और डोलानिया को जाता हुआ ये पॉइंट, अच्छा काम किया है। और एक बार फिर से लिखवा की टीम ऑल आउट की कगार पे, और अब वापसी करना लगभग नामुमकिन, क्योंकि समय जाता नहीं, और लीड अच्छी खासी, लीजिए जकड़ लिया और सेंटर से बाहर, यानी कि टूर्नामेंट से भी बाहर कर दिया है लिखवा को लगता है कहीं ना कहीं। अच्छा कार्य कर रहे हैं मेजबान खिलाड़ी, और यहाँ पे एक और पॉइंट मिलता हुआ डोलानिया को, और लीजिए एक और कैचिंग यहाँ पे मेजबान टीम के, जीत की दहलीज पर। और लीजिए इस प्रकार से ये मुकाबला डोलानिया ने जीत लिया है, खुशी का ठिकाना नहीं, आर के जाना नहीं। गुड़गांव वाली माता मंदिर प्रांगण में जो ग्रामीण ओलंपिक खेल ब्लॉक स्तर पर है, उसमें मेजबान डोलानिया ने शानदार जीत दर्ज की है। जिस प्रकार से आपकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ये जीत के हकदार थे और इसलिए जीते हैं। आप भी मैदान के बाहर से दिशा निर्देश दे रहे थे, तो उसका भी लाभ मिला टीम को? हाँ, उसका बहुत लाभ मिला, उस लाभ जारी करी और उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। थैंक यू सो मच। आज डोलानिया गांव में राजीव गांधी ग्रामीण प्रतियोगिता ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय खिलानी के गेम हो रहे हैं, बहुत ही आज ये अपना तीसरा दिन है, बहुत ही शानदार गेम का जो प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे निर्णायक महोदय हैं, जितने भी खेल प्रेमी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बहुत ही शानदार तरी, जितनी भी टीमें बाहर से आई हैं उसका उत्साहवर्धन कर रही हैं। तो मैं समस्त बाहर से जो आए हुए जो हमारे खेल प्रेमी हैं, जो टीमें हैं, और जितने भी जो प्रभारी हैं, हमारे होपसिल जो कर्मचारी हैं, जो हमारे साथ में जो कंधे से कंधा मिलाकर सेवाएं दे रहे हैं, सबके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से मेजबान टीम ने अभी जो प्रदर्शन किया डोलानिया की टीम ने, डोलानिया की टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, ये काफी दिन से तैयारी कर रही थी, वास्तव में काबिल तारीफ है, जितनी डोलानिया टीम की प्रशंसा की जाए वो कम है। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन फॉर द फाइनल। फाइनल मैच है कल लड़कियों का होगा, लड़कों का कल जो हमारा जो अंतिम दिवस है 15 तारीख को, कल लड़कों का और लड़कियों का दोनों का फाइनल मैच होगा, और फाइनल मैच है, बहुत ही शानदार मैच होगा, देखने लायक मैच होगा, बहुत ही कांटे की टक्कर है, और बहुत ही जो अनुभवी जो टीम है
वो कल दोनों मैदान में उतरेगी। तो मैं अग्रिम इन टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं वो प्रकट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, हमारी ओर से भी दोनों टीमों को फाइनल के लिए शुभकामनाएं, अच्छा प्रदर्शन किया और यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत ही शानदार रहा है। तो आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं।